और आप हमारे पास आए न्यू इनार के लिए में हमजा के पास, आपको बड़ी बड़ी रात में बहुत मुनासिब रेटों पर जुलरी मिलेगी। 250 जी माल बिक रहा सारा। काम की रूटीन क्या भाई आजकल? आजकल 3-4 रोजे हमने घर खोले हैं। एक पैर के साथ एक पैर फ्री, इतने एक पैर देना एक पैर फ्री है जी। अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल चाल है? सब खैरियत ठीक ठाक हो? मेरा नाम साजिद और तुम देख रहे हो वाइड एंगल। तो अज खैर नाल पंजवां रोज़ा खत्म हो गया वे, सुबह छठा रोज़ा होएगा इंशाल्लाह। तो मैं इस टाइम मौजूद हाँ नालकरी बाज़ार के बीच, तो तुहानू चलो चैक कराने के नालकरी बाज़ार के बीच की गहमा गहमी है, तो किन्नी रौनक है बाज़ार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम, की हाल चाल है जी? सब खैरियत ठीक ठाक हो? तो अज पंजवां रोज़ा खैर नाल खत्म हो गया, तो मैं नारकली बाज़ार आ गया तुहानू रौनक मेला वहाँ वास्ते। तो वेखने इतने की हालात ने बाज़ार के। तो अपनी वीडियो जी मैं शुरू कर लगा वा डलहौजी शूज़ के सामने, क्योंकि उस तो पिछले जिनी मार्केट है ना वो तकरीबन सारी बंद ही है। तो इतों असी अपनी वीडियो शुरू करा, तो नारकली नवी नारकली के अंदर एंड तक चलेंगे जी। तो चलो वेखने अगे की हालात ने। 4 रोजे खैर ना खत्म हो चुके ने, सॉरी 5वां रोज़ा अज खत्म हो गया और सुबह इंशाल्लाह छठा रोज़ा वे। तो बाज़ार के रौनक जी वो लगना शुरू हो गई है। और बहाने जी की हालात ने जी तुहानू जुतियां दी दुकाना जिहड़ियां पूरियां खुलियां ने तकरीबन, इस टाइम तकरीबन पूरा बाज़ार ही खुला है। और क्योंकि हुण अगे जिवें जिवें रोज़े घटते जाणगे बाज़ार दी रौनक वधदियां जाणगियां। फिलहाल इस टाइम रात दे 8 बजे ने और यह अनारकली बाज़ार दे जिहड़े हालात ने ना वो ए ने जी कि इन्नी क आवाम बाज़ार दे विच घूम फिर रही है, मीनस के रौनक लगनी शुरू हो गई है बाज़ारां च। अगे चलते हैं वेखने अगले बाज़ार च की हालात ने। ईद जिवें जिवें नज़दीक आती जानी है हुण बाज़ारां दे विच रौनक वधदी जानी है। और इंशाल्लाह इस तों इलावा तुहानूं लाहौर दे बाकी बाज़ार भी दिखावांगा उहनां च किन्नी क रौनक होंदी है, क्योंकि मैं तुहानूं अगे पहली वीडियो च दस चुकिया वा कि रमज़ान स्टार्ट हो रहा और रमज़ान दे विच मैं तुहानूं लाहौर दे बाज़ारां दीआं और लाहौर दी वीडियो दिखावांगा और तुहानूं दिखावांगा कि लाहौर दे विच रमज़ान किवें मनाया जांदा, रोज़े किवें रखे जांदे ने, ईद किवें सैलीब्रेट होंदी है और जिवें जिवें रोज़े ख़त्म होंदे ने तो बाज़ारां च रौनक किवें होंदी है और लोग किवें खरीदारी करदे ने, उस सिलसिले दे विच अज कह लो कि एक वीडियो अज भी शूट कर रहे हैं। इस तों बाद तुहानूं लाहौर दे होर मुख्तलिफ बाज़ारां च भी विजिट करवावांगा। अनारकली बाज़ार च अज इस तों आ गई हैं कि इत्थे तकरीबन रश जिहड़ा ना पहले स्टार्ट हो गया वे बाकी बाज़ारों की निस्बत। रौनक लग गई बाज़ार च है मेरे तो हिसाब न, मेरा ख्याल कि 10वें रोज़े तो बाद काम चलना चाहिए सी, लेकिन हुण शुक्र अलहमदुल्ला लोगों के कारोबार जोड़े ना चलने शुरू हो गए ने। स्टार्टिंग 5 रोज़ों तो बाद ही जरा आवाम बाहर निकल आई है और सूटों के रेट तुम दिखाने की चल रहे हैं। जी 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार यह प्राइस है इस टाइम सूटों की। और बाकी अगे देखो ईद के नज़दीक नज़दीक
की इन्हों की प्राइसा वादिया ने या इन्नी रही ने मैं तुम दिखा रहा वा तुम इन दुकाना से आओगे तो तुम पता लग जाएगा जो तुम मेरी वीडियो देखी होगी लाहौर के खास तौर पर जो लोग ने तो उन्होंने पता लग जाएगा कि की प्राइसा चल रही सन बाजार च रौनक होने के नाल ही हर जगह से और रौनक जिमें बाजार वधी है लोगों ने ठेलिया भी अपने कपड़े कुपड़े ला लेने जमीन पर भी ला लेने जिन जिथे जगह लभ रही है दुकानदारों को तो दुकाना है ही ने और कुछ ऐसा तबका होंगे कि जोड़ा इतने बगैर किराए तो यानी कि जो ठेले लगे ने यह बेचारे कोई किराया नहीं देंगे तो यह लोग ना रात को आ के इतने अपने ठेले वगैरह सजा लेंगे ने बहरहाल फिलहाल तुम बाजार की रौनक दिखाइए इस टाइम अनारकली बाजार के बीच की गेमा गेमी लेडीज जुतियां ने जी प्राइसिस भी अच्छी लगे ने 850 की भी है 1500 रुपये की भी है जेंट सूट लगे ने जी 1650 रुपये के 3300 सी असल प्राइस लेकिन उन्होंने कटिंग करके यानी कि सेल लाई जी तो हूँ सूट 1650 रुपये का ईद नज़दीक आ रही है तो मैं मेरा ख्याल पहली दफ़ा देख रहा वहाँ जी कि चीज़ों की प्राइसिस जड़िया ना डिस्काउंट करके लाती गई ने वैसे बड़ी एक अच्छी गल हैगी है कि ऐद की 3300 रुपये का सूट 1650 च कर दिता उन्होंने यानी कि डिस्काउंट लगा मेरा ख्याल क्योंकि यह कभी जिंदगी दे विच वैसे असी देखिया नहीं कि ईद आई हो चीज़ा सस्तियाँ होन लेकिन ऐद की माशाल्लाह देखने च आ रहा है कि चीज़ा जड़िया ना सस्ती हुई ने यह बैग लाए ने भाई ने जमीन के उत्ते अच्छा आज बाजार तकरीबन सारा ही खुले है क्योंकि एक दिन पहले मैं इतने चक्कर लाए गया सा तो उस टाइम जरा ना कोई इन्ना रश नहीं सी बाजार तकरीबन दुकाना भी सारिया बंद हो चुकी सन इतने भी 1890 1690 की रेंज के बीच जेंट सूट लगे ने स्पोर्ट्स की दुकान है काम तो कोई नहीं था लेकिन देखो अज माशाल्लाह कस्टमर इस दुकान के बीच भी है हालांकि स्पोर्ट्स का कोई काम नहीं रोजियां दे विच लेकिन फिर भी कस्टमर है जी चल परली तरफ चलने हैं परली तरफ देखने हैं उस रोह की हालात ने अनारकली बाजार जिवें तुहानूं पता है कि जी इस तो ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यह लाहौर का सब तो पुराना बाजार है और तकरीबन 200 साल पुरानी हिस्टरी है इस बाजार की तो इसलिए ज़्यादातर लोग जोड़े ना अनारकली बाजार का ही मूव करते हैं ईद और दिन त्यौहार के उत्ते क्योंकि इतों बड़ी इकोनॉमिकल चीज़ा जी मिल जाए ने इस बाजार की निस्बत बाकी बाजारों के जोड़े रेट ने ना वो ज़्यादा ने जी एक दुकान के अंदर चल के देखने कि इतने की प्राइसा लगिया ने बच्चों के सूट लगे ने उम्र बड़े भी है जी चलें जी उपर है जी चलें जी जी उपर चल के देखने वो तो कह रहे हैं कि बड़े सूट भी लगे ने अगे देखने इतने की वैरायटी लगी जी ऐसे जी 1500 रुपये की वेस्टकोट लगी है फैंसी इकनोमिकल रेट है इस तरह के जेंट सूट लगे ने
कस्टमर अपने कपड़े खरीदने च मसरूफ ने। इस शॉप के तकरीबन ज़्यादा ही इकोनॉमिकल कपड़े ने। देखो 990 रुपये का कुर्ता लगा, 1490 रुपये का लगा। इसी तरह अगे ऐसी रेंज के कपड़े लगे ने। फैंसी वेस्टकोट वाला सूट है, थोड़ा जहा महंगा लेकिन 3000 रुपये के बड़ा मुनासिब ही है। अच्छा, एक खुशहाल गल हैगी है कि कस्टमर जरा ना कुछ बार आ रहा, मतलब कि लोग खुशहाली का अपना एक नज़र आ रहा कि भाई जरा ने कुर्ता लिया ना। देखो जी भाई जान, जरा माशाल्लाह जी बड़े प्यारे लग रहे हो, ईद वास्ते लै रहे हो जी? नहीं जी। अच्छा जी, चलो मैं समझा रहे भाई ईद वास्ते लै रहे हैं, लेकिन मैं शायद कोई फंक्शन होएगा वो वास्ते लै रहे हैं जी। ऐ मैं नहीं दस सकता। तो जी इस दुकान के काफ़ी इकनोमिकल प्राइसिस सन, मीनस के उही अनारकली बाजार के हमेशा ताड़ी अरेंज च ना चीज़ लभ जाती, इसलिए लोग ज़्यादा अनारकली बाजार का ना मूँह करते हैं। और इतने बचकाना कपड़े लगे ने, बच्चों के फ्रॉक लगे ने। मजीद थले चल के देखने के थले की वरायटी लगी है। अच्छा थले जरा ना जेंट्स गारमेंट्स ने, मीन के पेंट शर्ट टी शर्ट वगैरह स्वेट शर्टा लगिया ने। काम की रूटीन क्या भाई आजकल? फिर आजकल 3-4 रोजे हमने घर खोले हैं। ठीक है, अब हम जो है ना चांद रात तक जो है ना शॉप पे प्रॉपर टाइमिंग देंगे, 10 से 11 बजे, ज्यादा से ज्यादा 12-1 बज सकते हैं हमें। यानी कि अब आपका मतलब है कि अब काम शाम निकलना स्टार्ट हो जाएगा? हाँ जी, अब काम शाम माशाल्लाह से बेहतर होना शुरू हो गया है, और यही कोई 10 रोज़ों के बाद मजीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी, वही मेरी वाली गल जी मैं तुम्हें स्टार्टिंग तो दसदा आ रहा वहाँ कि काम जरा ना पहले कोई 4-5 रोज़े बल्कि 10 रोज़े तकरीबन नहीं होंदा, लेकिन यह नारकली बाजार है, यदि अपनी बात है, इतने कस्टमर जरा ना वो बाहर निकलना होंगे 4-5 रोज़े। और अज जिमें 5वां रोज़ा खत्म हो गया वे, सवेरे इंशाल्लाह छटा वे, और भाई ये कह रहे हैं कि जी कस्टमर निकलना शुरू हो गया, और इंशाल्लाह काम भी जरा ना मजीद बेहतर हो जाएगा। चलो जी, जजाकला जी, जजाकला, जजाकला जी, जजाकला। हमारा ये हाँ जी यूट्यूब है जी। किस नेम से? वाइट एंगल। वाइट एंगल, हाँ जी। चलो जी बाहर निकलने इतने हूँ, और भाई जरा ने सू अपनी दुकान का पूरा विजिट करवाया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्राइसिस हैं इतने, सारिया प्राइसा मैं तुम दिखाती हैं। बाकी हूँ तल मैं चल के दुकान का ना भी दिखा दिना वा कि तुम शॉपिंग करनी हो इतने आ सकते हो। वरायटी दुकान पर बहुत ज़्यादा वे, बच्चों की, बड़िया की, लेडीज़ और जेंट्स, हर किस्म की चीज़ तुम जी ना अंडर ऑफ वन रूफ मिल जाएगी जी। 995 रुपये का लगा, यानी कि इस दौर के पता कि 900 या 1300 या 1400 रुपये के बीच की लगता जी लग जी। जजाकला सर, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। दुकान का मैं तुम ना दिखा वा बारो, जो तुम आना चाहो तो एडिशन, एडिशन दुकान का ना है जी अवली का। ठीक है जी, तो जी एडिशन के सामने कुछ बैग लगे ने जमीन के उ भी देखने। भाई जरा जमीन के बैग लाए ने, भाई जी की प्राइस है? 550 और 350 का बैग लगे जी। जाहिर है वाला जो है 550 तो आएगा, और जो छोटा 350 तो आएगा। इस तरह की जुतियां लगियां ने भाई जी, की रेट है जुत्ती का? 600।
इतने दसो कि जी 600 रेट जी जुत्ती का जी। चलो जी माशाल्लाह रौनक लग गई ने बाजार च। फैंसी सूट आने ने तकरीबन काम जरा ना यह होंदा जी ज़्यादा शादी ब्याहां ते ऐसे लई तकरीबन बस अपना कह लो कि टाइम पास करना तो यही दुकान ईद तक खुलन गए क्योंकि यह काम ईद तो बाद शुरू होएगा। और हूँ तुहानू मैं अनारकली बाजार के एक होर बाजार मशहूर मारू बानो बाजार वह विजिट करवाना वा अज और उत्थे तुहानू दिखाने जी कि हालात चल रहे हैं कारोबार के। बानो बाजार एक ऐसा बाजार है कि जिथे ना जिमें जिमें ईद नेड़े नेड़े आनी है ना तो इतने पैर नहीं रखे जाना जी। ठीक है यह लेडीज़ का एक खास बाजार है यानी कि जो लेडीज़ इतने बानो बाजार आते हैं ना वो सॉरी जो लेडीज़ अनारकली बाजार आते ना वो बानो बाजार नहीं ना आए तो समझो तुम कि लेडीज़ ना एक नहीं रहता काम अधूरा रहता वह हिसाब हो जाता जी क्योंकि इतने जो शॉपिंग करने आते हैं उन्होंने मकसद जरा ना बानो बाजार आना तो बहुत जरूरी होंगे ना। जुत्ती दुकान है खुसे लगे ने जी 500 ही सेल लगी है जी। बड़िया प्यारिया जुत्तिया लगिया ने ऐसे तरह के मजीद दूसरे स्टाइल दिया भी ने उन्हों का की रेट 650 रुपया रेट चल रहा है जी। ए कोल्हापुरी चप्पल ने जी कुछ इधर भी लगे ने जी ए मल्टी कलर लगे ने जेडे एक खास इमर की चीज़ें इस्तेमाल होंगे ने थले सिंपल वाले भी ने उत्ते कढ़ाई वाले भी ने इन्हों पता नहीं की कही मैं नहीं पता है की कही भाजी इन्हों अच्छा कढ़ाई वाले खुशे ने जी। ठीक है जी की प्राइस है जी 1250 अच्छा 1250 रुपये का जरा सब तो अच्छा जरा मेरे को 1250 का बाकी जुत्तियों के रेट भी बड़े इकनोमिकल ने और पहली ईद नज़र आ रहा कोई रेट अड्डे थोड़े ने नहीं तो पिछले साल तो रेट जोड़े ना बहुत ज़्यादा हाई सन एन जी भाजी चलो जी मजीद अगे निकलने अगे वेखने अगे बानो बाजार के ज्वेलरी और जुत्तियाँ कपड़े इस तो अनारकली एक खूद एक बाजार है लेकिन वो एक लिंक छोटा जहा बानो बाजार है कह लो कि ज्वेलरी स्पैशलिस्ट है और जुत्ती स्पैशलिस्ट है कोई यह गल तुम बारे कह दो तो वह बड़ी मुनासिब रहेगी जी। ये बानो बाजार से ग्राउंड करने और साड़ी किस्मत अच्छी है जी कि इतने इन्ना रश नहीं होया लेकिन अगे अगे इतने पैर नहीं रखे जाना चूड़ियाँ भी सजाती हैं बैग बूग बच्चिया रौनक लाती है बाजार जी। अच्छा इतने हर चीज़ 180 रुपये जी की है ज्वेलरी कॉस्मेटिक फैमिली डॉलर जी। ये भाई राणी शलवार कमीज पाई कहते वीडियो बना लो जी इन्हें भी बन गई जी और जी बिल्कुल हीरो लग रहा मेरा भाई जी। Thank you.
ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੈਂਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਡੱਬੇ ਫ੍ਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਡੱਬੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਡੱਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੇਗੀ ਈਦ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਡੱਬਾ ਫ੍ਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਾਨੋ ਘਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨੇ ਨਾਦੀਆ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ 850 ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ 850 ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਖੁੱਟੀ ਖੁੱਸੇ ਵੀ 850 ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ 850 ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਗਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਪੈਰ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਡੱਬਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੈਕੇਜਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਫ੍ਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰ ਫ੍ਰੀ ਜੇ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਲਾਪੁਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਔਰ ਖੁੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 800 ਰੁਪਏ ਜੀ ਇੱਥੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਊਲਰੀ ਲਾਈ ਕੀ ਭਾਅ ਜੀ 250 ਸਭ 250 ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਭ 250 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਊਲਰੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਜੀ ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 250 ਜੀ
ਕਿੰਨਾ ਜੀ 250 ਜੀ ਐ 250 ਚ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਓਨਲੀ 250 ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ 250 ਹੋਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਕਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਗਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ, ਹੇਅਰ ਬੈਂਡ ਵਗੈਰਾ। ਜੀ ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਸਜਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਖੈਰ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ 50% ਔਫ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਈਦ ਸ਼ੂ ਸਟੋਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਅੰਦਰ 50% ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਈਦ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਈਦ ਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ 50% ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੈਂਟ ਸ਼ਰਟ 750 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੈਂਟਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਬਾਜਵਾ ਇਤਿਹਾਦ ਸ਼ੂਜ਼। ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਪਿਆ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੈਂਟਸ ਜੋਗਰ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਭਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਜੇ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ, 450 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ 450 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਾਲ ਕੁਰਤੇ ਨੇ ਕੁਰਤਾ ਇੱਥੇ 450 'ਚ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁਰਤਾ। ਵਿਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਵੀ,
चक्का भेज रहा, नहीं देखना नहीं देखना, चलो चलो शहर देख लो नहीं करता नहीं करता। जेंट्स गारमेंट्स, अच्छा नारकली बाजार की यह खूबसूरती है कि जिस जगह से जेंट्स है उसे खाली जेंट्स ही है, और जिते लेडीज़ गारमेंट्स ने या लेडीज़ की कोई प्रोडक्ट है तो उसे लेडीज़ की ही है। यह एक बड़ी अच्छी चीज़ है नारकली बाजार की, इस वजह तो लोग मेरा ख्याल इधर का ज़्यादा मूँह करते हैं कि इतों तू बसानी जी भी चीज़ तुम चाहते हो ना वो मिल जाती है। परली साइड से चलने हैं, एक जगह से शॉला लगिया ने वो तुम दिखाने, इतने 450 रुपये के बीच बच्चों के भी गारमेंट्स लगे हैं। यह भी बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस लगी है। ईद गिफ्ट सूट जी 750 रुपये का, ओ सॉरी 1750 रुपये का, यह ईद गिफ्ट ही है जी। अच्छे स्टॉल्स लगे हैं जी 450 तो लैके 499 रुपये तक, 650 भी कुछ लगे हैं। अरबी बुरका लगा जी 1650 रुपये के बीच, इस बाज़ार की भी चक्कर लाने हैं। छोटे छोटे अगे ना लिंक बाजार गलियां हो गई है सारा नारकली बाजार ही, लेकिन इतने फैंसी टाइप के कपड़े ने जी। अजय उन्होंने मना करता कि इतने वीडियो ना बनाओ, इसलिए मैं बाहर आ गया, क्योंकि कुछ लोग नहीं पसंद करते कि शायद उन्होंने यह होंगे कि डिज़ाइन चोरी ना हो जाए, या वैसे कुछ लोग नहीं पसंद करते तो उन्होंने सानू एहतराम करना चाहिए उन्होंने ख्वाहिश का या उन्होंने कहन का, क्योंकि यह भी मेहरबानी होंगी कि कोई अपनी दुकान के वीडियो बना दिता। तो बच्चों के फैंसी फ्रॉक वगैरह आप जानते हैं, मेरा नाम है हमजा भाई और हम लगा के बैठे हुए हैं। क्या लगा के बैठे हुए हैं जी? हम लगा के बैठे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी और न्यू वैरायटी। हमारे पास ईद के बड़े बड़े अच्छी डिज़ाइन के नीचे देखें ना आप, हमारे पास ईद के लिए बड़े बड़े अच्छी ज्वेलरी लगाई हुई है। हम ये देखें, ये 4 पीस के करे हैं
और आप हमारे पास आए न्यू इनार के लिए में हमजा के पास, आपको बड़े बड़े रात में बहुत मुनासिब रेटों पर झुलरी मिलेगी और बड़े मुनासिब रेटों में मिलेगी। और ये देखो, और ये देखो, ये सोने से भी अच्छी झूली है मेरे पास, बड़ी बेहतरीन और मुनासिब रेटों में। ये देखिए, ये गोल्ड टाइप ज्वेलरी है। ये देखिए सर, आप बड़े बड़े प्यारे डिजाइन है। ये देखें आप, नाजरीन आप हमजा के पास आए और मैं आपको एक आइटम और दिखाने लगा, बड़ी प्यारी चीज़। ये देखें, ये देखें, ये टॉप्स है बड़े प्यारे जरकन टॉप। करके दिखाओ ना, आगे करके दिखाओ, किधर नजर आएगा ना, हाथ करके दिखाओ। देखिए हूँ बोलो, माइक के बीच बोलो। ये देखिए, ये बड़े बड़े प्यारे अच्छी टॉप्स हैं। और इधर इधर जरा फोकस करिएगा, ये देखिए मेरे बड़ी बड़ी प्यारी डिजाइन है, बड़ी बड़ी प्यारी डिजाइन है। आप इसमें से जोन सा भी आप पसंद करेंगे और ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, खराब भी नहीं होगी अल्लाह की मेहरबानी के साथ। माइक हमजा भाई, तुम मुँह तो दूर रखे है, थानू दसी जाते हो। चलो खैर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तार कितनी छोटी होनी है? तार थोड़ी बहुत लंबी है, तुम गल करो कि तार काट लाएंगे। तार ही बहुत छोटी है। तो जी हमजा भाई ने थानू इंटरव्यू दिता है, इंटरव्यू दिता, उन्होंने अपनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है। हमजा भाई को आओ, कि जगह बैठे हमजा भाई? तुम अनारकली रहमत मार्केट के पास, न्यू अनारकली रहमत मार्केट के कोल हमजा भाई बैठे ने। वरायटी बहुत अच्छी है उन्होंने कोल, सारा कुछ अच्छा, सारा कुछ बहुत आला जी। लो जी, अनारकली बाजार का अज मैं तुहानू पंजवें रोजे तो बाद विजिट करवाता वे, माशाल्लाह रौनक तुहानू दिखाती, रौनक लगनी शुरू हो गई है। तो मजीद असी इंशाल्लाह और बाजार भी तुहानू दिखावांगा। तो इस तों वीडियो जी असी अपनी खत्म कर देने, वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सबसक्राइब लाजमी कर दिया जी। चैनल सपोर्टिंग वास्ते घंटे का बटन दबाना हर किसी ना भूलना, क्योंकि आने वाली अगर वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। मैं ख्याल रखा जी, मन दो याद रखा जी। अल्लाह हाफिज़।